हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि इसके पहले हमने जो है आपके 55 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए थे, आज हमें 56 से स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। आगे पूछा जा रहा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण होती है? तो क्या होगा आंसर? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, परिक्षेपण, बताएंगे सभी लोग। तो आंसर जो आपका जाएगा वो होगा आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, आसमान में फैल रहा है और जब फैल रहा है चीज़ तो उसको क्या कहते हैं? हम प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण जो है सबसे अधिक होता है? आपसे कुछ भी पूछ सकता है, विक्षेपण पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, विचलन पूछ ले, तो आंसर आपका जो जाएगा आपका इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण पूछा है, हाँ बताएंगे सभी लोग क्या होगा आंसर, सभी लोग करेंगे। तो याद रखना है, अगर विक्षेपण पूछ ले या फिर विचलन पूछ ले, एक ही बात है। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए बैगनी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वो उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, ये किसके द्वारा व्याख्या की जा सकती है? तो आप सभी लोग जानते हैं, हमने आपको बताया भी था कि जब भी मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम की बात हो या फिर ऊपर नीचे उठे होने की बात हो तो आंसर आपका अपवर्तन की तरफ जाता है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ। ठीक है, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दे रहा है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू जो है वो चमकीला नहीं होता है? बताइए ऐसा क्या होता है? जब भी कोई चीज़ चमकीली दिख रही है या फिर जैसे कांच टूट रहा है, हीरा चमक रहा है, कोई भी चीज़ चमकीली दिख रही, तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण आपका परावर्तन होता है। ऑप्शन बी परावर्तन होता है। ठीक है, उसमें परावर्तन में भी पूछ ले कौन सा परावर्तन, तो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आगे दे रहा है, पेरिस्कोप बनाने में इसका प्रयोग होता है अवतल लेंस, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। बताइए पेरिस्कोप में किसका यूज होता है? तो पेरी में समतल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, याद रखना है। आगे दे रहा है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना कौन सी घटना का परिमाण है? बताइए क्या होगा? साबुन के पतले झाग में चमकदार जो रंग बनते हैं वो किस लिए, कैसे बनते हैं? तो इसका सिंपल सा एक कारण है, बहुलित जो अपवर्तन होता है और परिक्षेपण मतलब विचलन होता है उसके कारण, मतलब अपवर्तन और विचलन के कारण जो है आपके सात रंगों को दिखाई देता है। आगे, वाहन से पीछे आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका यूज करते हैं? बताइए सभी लोग करेंगे आंसर, अवतल, उत्तल, उत्तल, बताइए। पहली बात तो लेंस का यूज नहीं करते, दर्पण का यूज करते हैं, याद रखना है। अब कौन से दर्पण का? तो पीछे से अगर देख रहे हैं तो हम अपना उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, याद रखना है। ठीक है, और अगर हेडलाइट की बात आएगी तो हेडलाइट में जो है हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है पीछे से आने की बात, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। आगे दे रहा है, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, अपवर्तन का नहीं है? बताइए, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ना, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ऊपर दिखाई देना, रात में तारों का टिमटिमाना, देखिए रात में तारों का टिमटिमाना, सूर्य का अपनी आकाश में थोड़ा वास्तविक से ज्यादा ऊंचाई दिखाई देना और अपने वास्तविक उदय से ये दिखाई देना, ये सब जो है आपके अपवर्तन के कारण है। ठीक है, याद रखना है, ये सब जो है आपके अपवर्तन के हैं। लेकिन हमने आपको बताया कि सूर्य का सूर्यास्त के समय जो लाल दिखाई देना है, जब लाल दिखेगा तो क्या है, प्रकीर्णन के कारण ही लाल दिखाई देता है, है ना, पता है ना, धूल कणों से जब टकरा जाता है प्रकाश तो प्रकीर्णन के कारण, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये प्रकीर्णन के कारण होता है, जबकि जो बाकी मतलब कि एग्जाम्पल हैं वो आपके अपवर्तन के हैं। आगे दे रहा है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा जो प्रयुक्त होता है, तो देखिए दांत को जब कोई चिकित्सक देखेगा तो वो ऐसा तो है नहीं कि छोटे फॉर्म में देखे, उसको बड़ा करके देखेगा, और बड़ा करके जब किसी चीज़ को देखी जाती है तो वो होता है आपका अवतल लेंस। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, जब छोटी चीज़ देखनी होती है हमें, मतलब छोटे आकार में चीज़ें देखनी होती हैं, तो वहाँ पर उत्तल दर्पण का यूज होता है, लेकिन अगर किसी चीज़ को बड़ा करके हमें देखना है तो वो हमारा अवतल दर्पण का काम करता है। आगे
आगे दे रहा है वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट। अभी हमने बताया अगर हेडलाइट पूछेगा तो आंसर आपका जाएगा कहाँ, परवलयिक दर्पण। एक सेकेंड, ये गलत, हाँ, परवलयिक दर्पण में, ठीक है, हमने शायद पीछे अवतल दर्पण बता दिया है, वो अवतल दर्पण नहीं होगा, वो परवलयिक दर्पण होगा, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है दाढ़ी बनाने के लिए काम में किसको लेते हैं। अब देखिए दाढ़ी बनाना है हमको तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई वस्तु को बिल्कुल छोटी सी ही मतलब चीज़ में देखेंगे। अब दाढ़ी बनाना है तो हमें बड़ा कर करके देखना पड़ेगा ना, तो बड़ा करने में क्या होता है, अवतल दर्पण में ही बड़ी चीज़ होती है, याद रखना है। आगे आगे दे रहा है मानव नेत्र का, अरे मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है। तो सभी को पता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आपके रेटिना में बनता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे आगे दे रहा है रेटिना पर जो नेत्र है इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, रेटिना पर जो निर्मित प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। तो देखिए वास्तविक होता है, उल्टा होता है, छोटा होता है, ठीक है। कुल मिला के आपको टा शब्द याद रखना है, टा से छोटा हो गया, टा से उल्टा हो गया, टा को ता समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए तो वास्तविक हो गया, ठीक है, ऐसे याद रखना है। आगे आगे है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। देखिए अगर किसी व्यक्ति को अपने अपना जो प्रतिबिंब देखना है तो याद रखना है अगर आप 4 फुट के हैं ना तो आपको आधा फुट का ही मिरर रखना होगा, ठीक है। तो क्या होगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो आप जैसे मान लीजिए ये हैं लंबे चौड़े से 4 फुट के हैं, ठीक है, अगर तो आपको कितना दर्पण लेना चाहिए, 2 फिट का आपको दर्पण लेना चाहिए तभी आपकी 4 फुट की लंबाई इसमें आएगी, ठीक है, इस तरह से होता है। आगे एक वस्तु 2 समानांतर दर्पणों के बीच में रखी है, समांतर दर्पणों के बीच में रखी है, याद रखना है, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो आंसर जाएगा आपका अनंत बनेंगे। जब समांतर रखे होंगे ना आमने सामने तो बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे, याद रखना है अनंत बनेंगे, ऑप्शन डी होगा। आगे आगे दे रहा है 2 समतल दर्पणों को 90° के कोण पर रख दिया जाए तो उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे 2 समतल दर्पणों को 90° के कोण पर रख दिया जाए, बताइए क्या होगा। मतलब एक ऐसे रख दिया जाए और एक ऐसे रख दिया जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो आंसर क्या होगा आपका, याद रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा, ये बनेंगे 3। कितने प्रतिबिंब बनेंगे आपके, 3 प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। आगे आगे दे रहा है जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना अंश का कोण होना चाहिए, जस्ट अभी पढ़ा है तो कितना होना चाहिए, 90°। मतलब एक प्रतिबिंब ऐसे रख दो, एक प्रतिबिंब ऐसे रख दो और जब आप मोमबत्ती रखोगे ना तो उसके 3 प्रतिबिंब बनेंगे और कितने अंश के कोण पे, ये होता है आपका 90° का। आगे आगे दे रहा है यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पणों को 60° के कोण पर रखता है और बीच में खड़ा हो जाता है तब उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, याद रखना है ये बनते हैं आपके 5 प्रतिबिंब बनते हैं। आगे एक दूसरे पर 120° पर झुके 2 दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी, तो इसमें बनेंगी आपकी कितनी, ऑप्शन सी ये बनेंगी 2। आगे आगे है सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश रंग कैसा होता है, सूर्य के द्वारा कैसा रंग वो होता है, तो याद रखना है ऑप्शन ए ये होता है सफेद रंग, व्हाइट कलर होता है ना। आगे प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से, वेग से, बताइए क्या होगा, 77। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये होता है तरंग दैर्ध्य से, ठीक है। आगे पानी में हवा का बुलबुला कैसा काम करता है, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, बताइए किस तरह का कार्य करता है पानी में, तो याद रखना है ये अवतल लेंस की तरीके कार्य करता है, ठीक है। आगे आगे है एक लेंस की क्षमता इतनी है, तो क्या पूछा है, एक सेकेंड हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या था, हाँ एक सेकेंड, क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, चलिए हटाइए, हम इसका आंसर बाद में करवा देंगे। आगे आगे पूछा जा रहा है डायोप्टर किसकी इकाई है,
अच्छा ये पूछा है क्वेश्चन में, हाँ समझ गए, उन्होंने कुल मिलाकर ये पूछा है कि लेंस की क्षमता अगर इतनी डी है तो यहाँ डी का मतलब क्या है। हाँ समझ गए, मतलब जो डी लिखा है ना इसका मतलब क्या है ये पूछा जा रहा है, लेंस की क्षमता की इकाई पूछी है कुल मिला के। तो याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा, ये डायोप्टर होती है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे थे हम, आगे आगे दे रहा है डायोप्टर किसकी इकाई है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ये है आपकी लेंस की क्षमता की। ठीक है, जैसे ही ये क्वेश्चन देखा तो हमें दिमाग में आ गया क्वेश्चन कि ये पूछा था। आगे आगे है धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी बहुत जाता है। 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 4 डायोप्टर, तो आंसर होगा आपका 0 डायोप्टर इसकी क्षमता होती है। आगे आगे दे रहा है एक लेंस का फोकसांतर जो है 25 सेंटीमीटर है उसकी क्षमता कितनी होगी, तो क्षमता और 1/f का होता है, तो उसकी क्षमता कितनी हो, एक लेंस का फोकसांतर जो है वो 25 है उसकी क्षमता कितनी होगी। हाँ तो देखिए आंसर की बात की जाए तो आंसर आपका जो है ना ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 डायोप्टर होगी। ठीक है, सेंटीमीटर है तो 100 में कन्वर्ट करेंगे तो 100/25 होगी ना, तो 25 × 100 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं, तो पूछा जा रहा है आपसे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है उसकी क्षमता कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी 0.2 × 10 तो 5 × 3 हाँ ठीक है, हाँ तो ऐसे ही आपकी डी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 0.2 ऐसे 100 करेंगे ना, 2×10 5 फिर सेंटीमीटर, तो 5 डायोप्टर हो जाएगी आपकी। ठीक है, आगे आगे दे रहा है यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 बढ़ा दिया, 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी बताइए क्या होगा। आंसर की बात की जाएगी तो आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, 100/2 कर देंगे 50 हो जाएगा। आगे आगे दे रहा है एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, कोई नहीं, अपरिवर्तित रहती है, क्या होगा सभी लोग करेंगे, तो याद रखना है ये घट जाती है। उत्तल लेंस को जब हम पानी में डुबो देते हैं तो उसकी जो क्षमता होती है वो घट जाती है। पूछा जा रहा है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है, प्रिज्म में अगर कोई लाइट हमने डाली तो वो 7 भागों में विभाजित हो जाती है, तो किस वजह से हो जाती है, उसका कारण क्या होता है, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये वर्ण विक्षेपण कहलाता है, वर्ण का विचलन कहलाता है। ठीक है, बैगनी का जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, लाल का सबसे कम होता है। ठीक है, और विचलन का ही विलोम आपका तरंग दैर्ध्य होता है। आगे प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं, क्यों बताइए, प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का विचलन होता है, प्रिज्म 2 सतहों का अपवर्तन होता है, विचलन भिन्न भिन्न होता है, बताइए क्या होगा आंसर। तो देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही दिया है कि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। आगे आगे दे रहा है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है, तो अभी बताया जस्ट ऑप्शन डी, 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तभी वो अलग अलग फैल जाता है, विचलित हो जाता है। आगे श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित कौन सा होता है, तो विचलन सबसे ज़्यादा किसका होता है आपका, बैगनी कलर का सबसे ज़्यादा होता है, याद रखना है। आगे आगे दे रहा है प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है, बताइए 90 का क्या होगा, तो सबसे कम जो विचलित होता है ऑप्शन ए लाल। आगे प्राथमिक रंग का मतलब क्या होता है, प्रकृति में पाए जाने वाले इंद्रधनुष के रंग, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं होते हैं, बताइए सिंपल सा है ऑप्शन डी ही होगा, जो किसी से मिलकर ना बने वो आपके प्राथमिक रंग होते हैं। आगे 3 जो है मूल रंग कौन कौन से हैं, बताइए क्या होगा 92 का, तो इसको याद रखना है सिंपल सा, RBG, R से आ गया आपका रेड कलर, B से ब्लू हो गया, G से ग्रीन हो गया, ऑप्शन सी होगा। आगे है श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकीर्णन, प्रक्षेपण, विवर्तन, बताइए बार बार वही शब्द यूज हो रहा है, गलत नहीं करना है, ये होता है आपका वर्ण विक्षेपण, जिसे हम विचलन भी बोलते हैं। आगे कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, हरा है, लाल है, नीला है, अभी हमने बताया RBG, तो कौन नहीं है आपका, पीला नहीं है, ऑप्शन बी होगा। आगे
आगे दे रहा है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो हमने बताया आपको कि बैगनी का जो है विचलन सबसे अधिक होता है या विक्षेपण बोल दें, और लाल का जो है विक्षेपण और विचलन सबसे कम होता है, और जो आपका विचलन और विक्षेपण है ना इसका ही अपोजिट आपका तरंग दैर्ध्य होता है, तो लाल की विक्षेपण सबसे कम होती है इसलिए इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, सब कुछ बताते जा रहे हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक होता है, बताइए क्या होगा 96? तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी की तरफ, लाल और हरा। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित कर लेता है, अपवर्तित करता है, परावर्तित करता है या प्रकीर्णित करता है, बताइए क्या होगा 97? शाबाश, ऑप्शन सी होगा, जिसे वो परावर्तित कर देता है ना वो उसी रंग का दिखता है। ठीक है, जैसे ये धूल का कण है, इससे नीले रंग का आया, इसने फैला दिया पूरे में, परावर्तित कर दिया, तो क्या हुआ? आगे बढ़ते हैं, आगे दे रहा है कि हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा। कुल मिलाकर आपको ये चीज़ पूछी जा रही है कि अगर हम अगर हरा सूट पहने हैं, कोई लड़की हरा सूट पहने हैं, तो अगर हम उसको लाल रंग की रोशनी से देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, तो वो आपका कैसा दिखेगा याद रखना है, बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है, वो आपका कहाँ गया, काला दिखेगा। मतलब हरा सूट पहन लो और अगर लाल बत्ती में चले जाओ तो आपका वो जो है काला दिखने वाला है। आगे दे रहा है कुछ परिवर्तन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बत्ती पीली होने से वाहन सुंदर दिखे, ऐसा तो नहीं होता। पीली बत्ती कम विद्युत ऊर्जा खर्च करती है, नहीं। पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देती है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। फिर दे रहा है पीली प्रकाश सड़क पर चलते हुए व्यक्तियों को आंखों में चमक दो, बताइए क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा है, समझ में भी आ रहा है, ऑप्शन सी ही होगा। पीला जो प्रकाश होता है वो कोहरे को भी भेदने की क्षमता रखता है, मतलब अगर कोहरा है तो वो लाइट दिखाई देती है तब भी, जिससे सड़क साफ दिखती है, अतः कोहरे वाली रात में पीली बत्ती काम आती है। आगे है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से अलग अलग, पौधों के रंगों को, बताइए क्या होगा इसका आंसर 100 का, क्या होगा आंसर? हाँ, आंसर की बात की जाएगी तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, 7 भागों में बट जाता है ना, वही। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा, बताइए। लाल कांच को अगर हमने ताप दे दिया तो वो किस रंग का दिखाई देने वाला है? अब सभी लोग करेंगे 101, वो जो है ना लाल जो है वो हरे में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखना है। आगे कर लीजिएगा एक बार प्रैक्टिकल भी तो समझ में आ जाएगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है वेग के द्वारा, तरंग दैर्ध्य के द्वारा, आयाम, आवृत्ति, बताइए सभी लोग क्या होगा आंसर 102? हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है तरंग दैर्ध्य के द्वारा। ठीक है, आगे है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, बताइए। तो याद रखना है आपके 7 कलर होते हैं। आगे दे रहा है यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा, बताइए किस रंग से दिखेगा, याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका मतलब ये ऑप्शन ए लिखा है इसमें, सी है वैसे, काला दिखाई देता है। आगे दे रहा है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं, बताएंगे सभी लोग फटाफट से क्या होगा आंसर? तो याद रखना है वही है आपके मुख्य रंग R, B, G, R से हो गया रेड, B से ब्लू, G से हरा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दे रहा है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कैसा होता है, छाल काला होता है, काला, पीला, नीला, बैगनी, बताइए सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी जिसका सबसे अधिक विचलन होगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, बताइए। जब प्राथमिक रंगों को ही हम अगर आपस में मिला दें तो क्या बनता है आपका, सभी लोग करेंगे, याद रखना है ये सफेद बन जाता है। ठीक है, आगे दे रहा है फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है, बहुत पूछा जाता है, ऑप्शन डी ये फिल्म होता है, जो कैमरे का भाग होता है आंखों की तरीके
काम करता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आगे दे रहा है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग होता है, अवतल, वर्तुलाकार, उत्तल, समान मोटाई वाला। करेंगे सभी लोग 109 का, तो आंसर होगा आपका इसमें उत्तल लेंस का यूज होता है। कैमरे में जो यूज होता है ना वो आपका उत्तल लेंस होता है। ठीक है, कैसे याद करना है, कैमरे में जो मतलब क्या कहते हैं, कैमरा जो होता है वो कहाँ लगा होता है, ऊपर की तरफ लगा होता है मोबाइल में, है ना। तो बस ऐसे याद कर लीजिए, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तल। आगे दे रहा है उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस जो है वो फोकस करने में आंख की योग्यता क्या कहलाती है। देखिए उम्र बढ़ने के साथ बोला है, उम्र की बात आ रही है, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए ये होगा प्रेस बायोपिया। निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में अधिगम की योग्यता जो होती है, में कमी जो होती है उसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। ठीक है, बुढ़ापे के लिए। आगे दे रहा है आयरिस का क्या काम होता है, आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, प्रकाश मात्रा को, बताइए क्या होगा ऑप्शन आपके। हाँ शाबाश, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना जो है ये आपका आयरिस का काम होता है। आगे दृष्टि पटल पर जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, बताइए क्या होगा। दृष्टि पटल जो रेटिना होता है उसमें कैसा बनता है, अभी हमने बताया था टा को याद कर लीजिए, टा से उल्टा हो जाएगा और टा से छोटा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है आंख के किस भाग, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, बताइए प्रकाश की मात्रा नियंत्रित कौन करता है, तो अभी बताया है आयरिस। आगे नेत्र में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, तो इसको सिंपल सा आंसर ही लिख लीजिए, अरे इसका आंसर लिख लीजिए सीधे, ऑप्शन नहीं दिए हैं, कार्निया। ठीक है, कार्निया का भाग जो है वो दान दिया जाता है, ये दिया भी तो है, ऑप्शन भी दिए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं, बताइए क्या होगा, ऑप्शन सी ये है रेटिना से। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं, तो ऑप्शन सी। आगे मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है, बताइए 116 का क्या होगा, ऑप्शन अरे ऑप्शन डी ये है 25 सेंटीमीटर न्यूनतम स्पष्ट दूरी पूछी है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है, मतलब पास की देख पा रहा है तो आपको निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, याद रखना है। आगे है दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, मायोपिया मतलब होता है आपका निकट का, निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नज़दीक को स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ठीक है, आगे निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति के लिए कौन सा मतलब यूज किया जाता है, तो आपको सिंपल सा याद रखना है, अगर निकट पूछे तो इसमें 3 शब्द हैं, इसके लिए 4 शब्द वाला लेंस यूज होगा, तो इसके लिए अवतल लेंस का यूज होगा, और दूर दृष्टि दोष में 2 शब्द हैं तो इससे 1 शब्द आगे बढ़ा दीजिए, तो 3 लेंस वाला मतलब 3 शब्द वाला, तो ये है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल इसमें, अवतल इसमें। आगे है आज का लास्ट क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, बताइए दूर दृष्टि दोष है तो उसको दूर की तो देखेंगी, पास की नहीं देखेंगी, बताइए कहाँ की नहीं देख पाता, तो निकट की वस्तुएं जो है वो देख नहीं पाता है, केवल दूर की देख पाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आज हम केवल